ट्रेडर मैं देखता हूं 1 लाख से आज भी काम कर रहे, 4 साल बाद पूछो वो भी 1 लाख से काम कर रहे। काहे कर रहे हो भाई, तिहाड़ी का जॉब करने आए हो? अरे एक प्लान बनाओ। क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या एक बिजनेस है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक ट्रेडर के माइंड के अंदर हमेशा चलता रहता है। जब जब वो लॉस करता है, जब जब स्टॉक मार्केट में घाटा खाता है, तो उसके मन के अंदर एक धारणा ज़रूर पैदा होती है कि कहीं मैं जुआ तो नहीं खेल रहा हूँ या मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत कॉमन सवाल है जिसका जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने की कोशिश करूँगा। तो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप सारी चीज़ों को समझ पाए और निर्णय ले पाए कि इस वक्त आप जुआरी हैं या एक व्यापारी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि इस सवाल का जवाब आपको मिल सके। और ये एक ऐसा वीडियो है जो आप जो है सेव करके अपनी लाइब्रेरी में रख सकते हैं ताकि इसको बार बार आप रिपीट कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत देर कर चुके हो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं और आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सको। हमारा फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स 1 रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके जो है व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट डालो और ज्वाइन कर लो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सही तरीके से लाइव सीखना है। और अगर आपको जानना है एडवांस टेक्निकल के बारे में तो हमारा ज्वाइन मेंबरशिप है, उससे ज्वाइन कर लो ताकि आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी सीख सको। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपने किसी भी ऐसे इंसान को देखा है जिसने प्लान बनाया कि मैं एक चाय की दुकान डालूंगा और उसे पता नहीं है कि मुझे दुकान कहाँ खोलना है? अगर उसे पता है तो ये पता नहीं है कि चाय के अंदर क्या क्या चीज़ों को डालना है। मान लो हम कंसिडर करते हैं कि उसे पता है कि चाय के अंदर क्या क्या चीज़ों को डाल के चाय बनाना है, तो उसे उसकी कीमतों का एहसास नहीं है, उसे ये नहीं पता है कि चाय पत्ती के क्या रेट चल रहा है, उसे ये पता नहीं है कि दूध क्या रेट चल रहा है, उसे ये पता नहीं है कि शुगर क्या रेट चल रहा है, और वो जो है चाय की जो कीमत तय करता है अपनी दुकान पे 5 रुपया एक चाय स्पेशल की, और जो उसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिर रही है वो गिर रही है 5 रुपया 10 पैसा। तो आप ऐसी शक्ल में मुझे कमेंट करके आंसर दो कि क्या वो मुनाफा बना पाएगा? उसी के अंदर उसका रेंट है, बिजली का बिल है, उसका एम्प्लॉय है। अगर आप 5 रुपये की चाय बेच रहे हो और आपको चाय बन के घर में पड़ रही है 5 रुपये 10 पैसे की, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है मुनाफे में हो, आप एक व्यापार कर रहे हो? इस कंडीशन को जो मैंने अभी आपको बताया, इसे जुआ कहते हैं। अब सिनेरियो 2 लेते हैं। एक इंसान ने प्लान बनाया, मैं चाय की दुकान खोलूँगा। वो सर्वे करता है, उसे एक लोकेशन मिलता है, एक छोटा सा शॉप मिलता है जहाँ पे वो स्पॉट करता है कि ये मेरा लोकेशन है। 1,50,000 उसने डिपॉजिट दिया, इंटीरियर कराया, बेंचेस खरीदे, गैस बाटला लाया, सारी चीज़ों को उसने सेट किया, दूध वाले से बात किया कि भाई मुझे सस्ते में इतने लीटर दूध लगेगा, ये रेट में मैं ले पाऊँगा। दूध वाले से बात हो गया, उसके बाद चाय पत्ती वाले से बात हो गया, गैस जहाँ से आता है गैस बाटले वाले से बात हो गया, उसके बाद उसने शुगर वाले से भी बात कर लिया, और एक कप चाय की कीमत वो रखता है 8 रुपये और उसको घर में पड़ रही है 5 रुपया 10 पैसे की। अब बताओ ऐसी कंडीशन में क्या आप इस चाय वाले को बिजनेसमैन कहोगे? जी हाँ दोस्तों, ये है वो व्यापारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने पूरा प्लान करके सटीक तरीके से एक बिजनेस सेट किया और चाय बेच के हर चाय के ऊपर लगभग लगभग 2 रुपया 90 पैसा कमा रहा है। अगर बिना सीखे स्विमिंग को कोई कूद जाता है, छलांग मार देता है समंदर के अंदर, तो आप उसे जुआरी कहोगे। और अगर कोई सीख कर पहले 4 फीट पानी में, फिर 7 फीट पानी में, फिर 10 फीट पानी में, फिर 12 फुट पानी में, वो धीरे धीरे सीख कर गहराई में उतरता है और उसके बाद जो है छलांग मारता है, पूरी स्विमिंग की टेक्निक को सीख कर और मार्केट के अंदर उछाल इसने जो है छलांग मारी है और अब ये बिजनेसमैन है। अब आते हैं हम कॉन्टेक्स्ट में, देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडर है
वो क्या करता है और उसे एक्चुअल में क्या करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, कल हमारा प्रोग्राम है सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक स्विंग ट्रेडिंग का। गुरुजी ऑफर है 3000 का प्रोग्राम मात्र 1800 रुपये में आप ले सकते हैं। 4 घंटा लाइव जूम पर आकर कल पढ़िए, और अगर आप किसी वजह से उपस्थित नहीं रह पाते हैं लाइव जूम पर तो आपको रिकॉर्डिंग 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलेगी। तो तुरंत इनरोल कर लो, बहुत ही चंद सीट बची हुई है और मात्र 2 घंटा वैलिडिटी है। 12 बजे आज रात में वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, गुरुजी ऑफर खत्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम आपको 3000 में। अगर हम ये देखें कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको काम करना है और आपको जुआरी नहीं कहलाना है, आपको बिजनेसमैन कहलाना है, तो कौन से वो नियम है जिनका आप उल्लंघन करते हो और कौन से वो नियम है जिनका आपको पालन करना है। तो नियम नंबर 1, अपने रिस्क को जानो, अपने रिस्क को पहचानो। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग हो या इंट्राडे हो, मैं ऑप्शन और फ्यूचर वाले बड़े खिलाड़ियों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप कैश में स्विंग कर रहे हो या डे ट्रेडिंग कर रहे हो कैश में, तो अगर आप जो है रिस्क को पहचानते हो, आपको पता है कि मैं 1 लाख की एक पोजीशन खड़ी कर रहा हूँ और अगर ये इस 1 लाख रुपये पे मेरा 3000 रुपये का घाटा आता है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा, तो आप एक बिजनेसमैन हो। और अगर आपको अपना रिस्क ही पता ना हो एंट्री करते टाइम और आप जान ही ना पा रहे हो कि कहाँ तक जाने पे आपको एग्जिट लेना है, अगर आपकी 1 लाख की पोजीशन खड़ी है और वो 1 लाख की पोजीशन धीरे धीरे 97,000 हो गई, फिर वो 95,000 हो गई, फिर वो 90,000 हो गई, और आप इस इमोशंस में और इस हिसाब से खड़े हुए हैं उस पोजीशन को लेके कि धीरे धीरे मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, धीरे धीरे ये ऊपर चला जाएगा और धीरे धीरे कुछ ना कुछ मेरा अच्छा पॉजिटिव होगा, और वो धीरे धीरे आपका जो है नीचे आता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि आप जुआरी हो। बुरा मत मानिएगा, आप जुआ कर रहे हो, आप बिजनेसमैन नहीं हो। ऐसे धंधे जिनके अंदर कंटिन्यूस लॉस हो रहा है उसे धंधा नहीं, उसे जुआ कहते हैं, अगर आप वहां बैठे रहते हो तो। पॉइंट नंबर 2, मेक अ प्लान। जी हाँ, आपके पास बिल्कुल प्लान नहीं होता है। आप जब भी ट्रेड करने जाते हो, सुबह में आप ओपन किए मार्केट को, कुछ स्टॉक्स देखे, आपको कुछ पता नहीं है कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी होगी। मैं सुपर ट्रेंड पे काम करूंगा, बोलिजर बैंड पे काम करूंगा, मैं कैंडलस्टिक पे काम करूंगा, मैं मूविंग एवरेज पे काम करूंगा, मैं मैग्डी पे काम करूंगा, मैं किस टेक्निकल पे काम करने वाला हूं। मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं ट्रेडर हूं। तो अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे कुछ ना कुछ टेक्निकल्स को तो अप्लाई करना पड़ेगा। एटलीस्ट RSI ले लो, एटलीस्ट वॉल्यूम ले लो, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं है। क्यों? आपने प्लान ही नहीं बनाया है। मान लो आपके पास कोई इंडिकेटर है भी, तो आपको ये नहीं पता है कि मुझे कितने स्टॉक्स को मेरा यूनिवर्स बनाना है। 5 स्टॉक में सिर्फ काम करूंगा, 10 में काम करूंगा, 15 में काम करूंगा, नहीं। आपके पास निफ्टी के 5000 स्टॉक्स हैं और 5000 स्टॉक्स को आप स्कैन करोगे 2 मिनट के अंदर और उसके बाद अपनी पोजिशन को बना लोगे। ऐसा नहीं करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप जुआ खेल रहे हो। अगर आपने प्लान किया है कि मेरे 15 स्टॉक्स है, इसी में काम करूंगा, मेरा सुपर ट्रेंड मेरा इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड ने बाय बोला मैं बाय, सेल बोला मैं सेल, एक सिस्टम, एक ही टाइम फ्रेम, एक ही इंडिकेटर और यही 15 स्टॉक, मैं इसी पे साल भर काम करूंगा। अब आप जो है एक बिजनेसमैन हो, अब आप जुआरी नहीं रहे। दुनिया की कोई ताकत आपको जुआरी नहीं बोल सकती है। इसके बाद का जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल, यानी आपको छोटे कैपिटल से शुरू करना है। आप ये प्लान तो नहीं कर सकते हो, मैं चाय की दुकान खोलने जा रहा हूँ, 50 दुकान खोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हो कभी? या बोलते हो मैं एक ऑफिस खोलने जा रहा हूँ किराने की, एक दुकान खोलने जा रहा हूँ और 50 किराने की दुकान खोलने वाला हूँ? नहीं, आप एक दुकान खोलोगे। स्टार्ट विथ स्मॉल, यानी अगर आपको ट्रेडिंग के अंदर आना है, आपके अकाउंट में 50 लाख है, आपको 50 लाख नहीं लाना है, आपको 50,000 लाना है, आपको 1 लाख लाना है, और 1 लाख लाने के बाद भी आधे ही कैपिटल से काम करना है, आधे को बचा के रखना है। आप समझ रहे हो, कई लोग 50 लाख का कैपिटल है, 50 लाख एक साथ लेकर आते हैं, ऑप्शंस में आते हैं, फ्यूचर्स में आते हैं, और विद इन 3 मंथ्स पूरा कैपिटल जीरो, और कहते हैं मार्केट एक जुआ का अड्डा है। ऐसा नहीं है, मार्केट को आप गाली नहीं दे सकते हो। अपने मनोविज्ञान को बढ़ाओ, अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाओ, अपने अंदर पेशेंस पैदा करो,
छोटे से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, भले वो धीरे 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 बड़ा हो। ठीक है, इसी के आधार पे हमारा आखिरी पॉइंट है कि स्केलेबिलिटी हमेशा वहां पे रहना चाहिए। मतलब आपने एक चाय की दुकान खोल ली, आप डेली आपका 100 कस्टमर बन गए, 100 चाय बेच रहे हो, 2 रुपया 90 पैसा कमा रहे हो, तो आप कितना कमा रहे हो अंदाजा लगा लो। ठीक है, तो आप इतना ही कमाओगे लाइफ टाइम? नहीं ना, स्केल करो, 1 किलोमीटर आगे दूसरी दुकान खोलो, 2 किलोमीटर आगे तीसरी दुकान खोलो, इस तरीके से स्केलेबिलिटी होना चाहिए। तो आप स्टार्ट विद स्मॉल तो कर रहे हो, लेकिन आपके पास ये पोटेंशियल होना चाहिए कि मैं धीरे धीरे इस कैपिटल को जैसा जैसा ग्रो करेगा मैं जो है अपनी पोजिशन साइज को बढ़ाते रहूंगा। उसके लिए प्लान करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके लिए एक मेंटर, एक टीचर, एक गुरु आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर मजहर से मुझे सीखना चाहिए, तो हमारा स्विंग ट्रेडिंग का भी प्रोग्राम है, ETF का भी प्रोग्राम है, इंटरडे का भी प्रोग्राम, जो भी आप ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो। और अगर आपको देखना है कि किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, तो हमारा फ्री टेक्निकल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री में टीचिंग स्टाइल सीखो, उसके बाद करो। ठीक है, और हमारा चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाले हैं, चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप। ठीक है, तो आप जो है आपको कैपिटल को स्केल करने आना चाहिए। कुछ ट्रेडर मैं देखता हूं 1 लाख से आज भी काम कर रहे, 4 साल बाद पूछो वो भी 1 लाख से काम कर, काहे कर रहे हो भाई, तिहाड़ी का जॉब करने आए हो? अरे एक प्लान बनाओ कि मैं 1 लाख से शुरू करूंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, जब 40-50 लाख तक मेरा कैपिटल जाएगा फिर मैं थोड़ा सा आराम की कोशिश करूंगा, दूसरे धंधे मेरे कम करूंगा, या जो भी है टाइम निकालूंगा, फ्री रहूंगा थोड़ा सा। आप 1 लाख से कंटिन्यू कमा रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, ऐसा नहीं करना। स्ट्रैटेजी बनाना है कि इसको मैं स्केल कैसे करूंगा। तो अगर आप स्केल कर ले जाते हो तो मार्केट बहुत बढ़िया जगह है बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करो। 73% ऐसे व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काहे को भाई, कोई दुश्मनी है क्या हमसे? कर लो ना, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है यार, कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब कर लो बबुआ, उसमें क्या होगा, आप ही का नफा होगा ना, उसमें नॉलेज गेन करने में कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने 3 दोस्तों तक शेयर करो।